हाँ जी मैं अमर बोल रहा हूँ जुड़े हुए हैं प्रकाश तिवारी कहाँ से मुंबई से शायद सर बॉम्बे से तिवारी जी के के रहने वाले हैं शुरू के आप सर बाई बर तो बॉम्बे में वाराणसी वारा हाँ, है, है, है. बताए मेरे लिए क्या हुक्म है क्या सवाल है आपके किस बारे में जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं किसी है धीरे धीरे कौन, okay, okay. अच्छा, कौन सा पहले तो उसमें है, है मेरा, तो वो मैं चला रहा हूँ अभी बॉम्बे में बी आप, आप फार्मा हो आप सर डिप्लोमे फार्मास किया हुआ है. अच्छा आपकी दुकान है केमिस्ट और वो उसकी जो दवाइयों की अच्छा ठीक है और आपको जॉब किस चीज की ऑफर करी है कनाडा से कौन सी जॉब आपको मिली है सर ये फार्मेसी में एक्चुअली मिली नहीं है वो ने अप्लाई किया है प्रोसेस किया हुआ है तो वो लोग ने वर्क अपना ये सब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजा है मुझे वो जो फॉर्म था सर फॉर्म में जो जेनेरिक फॉर्म नंबर आता है सर उन्होंने मुझे वो दिया है और पहले, कुछ पहले, पहले, पहले जी तो यही पर थोड़ा उजाड़ थोड़ा सा धीरे दीर धीरे इसकी ना जैसे प्याज की पर्दे खोलती है ना उसको पहले खोलना पड़ेगा थोड़ा सा okay, पहले पहले तो ये बताएं कि कंपनी का नाम क्या है जो जिसने आपको जॉब देनी है हाँ यहाँ पे है, सर, अपना मोहाली में है नहीं मोहाली का नहीं बात कर रहे हैं कैनेडा में कनाडा की कंपनी दो तो, जगह का दिया

कनाडा का लाइसेंस नहीं है जॉब देने के लिए ओके सर आई आई होप आई एम रॉन्ग पर मेरे को पता नहीं और मेरे को पता भी नहीं करना कि कौन सी कंपनी है कौन है कहां पर बैठे हैं लेकिन 99.9% ये ये तो मान के मैं चल रहा हूं कि इनके पास कनाडा कनाडा का लाइसेंस मतलब कि कनाडा का किसी लॉयर का लाइसेंस या कनाडा के किसी रजिस्टर्ड कंसलटेंट का लाइसेंस नहीं है इस करके ये लो जॉब देने के लिए समर्थ नहीं है आपकी इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि आपको जॉब दे दें लीगली जो ये दे रहा है ये ये इलीगल ट्रांजैक्शन है सारे पहली okay. बात तो ये समझ जाए ठीक है ओके सर क्लियरली दूसरी बात ये है कि जब हमें ये नहीं पता कि वो देने वाले कौन है और उनसे हम डीलिंग करके जो भी पैसे की डीलिंग कर रहे हैं वो जो भी उनसे कहा हो उन्हें कहा होगा कि पैसे देने नहीं है हम पैसे किसे दे रहे हैं और उसकी कोई रसीद है कि नहीं है मैं नहीं समझता कि आपको कोई रसीद वो देंगे सर उन्होंने दो रसीद दिया है मुझे हाँ कुछ उनका जो ये जो प्रोसेस है था उसका रसीद दिया है ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड का अच्छा टोटल और, टोटल कॉस्ट कितनी है पूरे जॉब लेने की टोटल पूरे परमिट की सर उन लोग ने कहा ये कहा है कि फोर्टी थाउजेंड आपको देना है नहीं नहीं टोटल कॉस्ट कितनी है स्टार्ट से लेके फिनिश तक

चाहे इंडिया में करे चाहे बाहर करे एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो देगा ना कुछ ना कुछ जिसमें लिखा होगा कि जॉब कहां पर है क्या है तनख्वाह वगैरह वगैरह बेनिफिट दिया होगा जब तक हमें कोई जॉब ऑफर वो देगा नहीं तो हम कैसे मान लें कि कौन जॉब ऑफर दे रहा है उसमें क्या है क्या नहीं होने वाला है पहली बात तो ये ये प्रॉब्लम है जितनी भी वो सैलरी उसमें लिखी होगी पहली बात तो है ही नहीं वी डोंट नो कितनी सैलरी लिखी है आप मान के चलें कि चालीस में कोई आपको जॉब दे ही नहीं सकता कि जो एक प्रोफेशनल जॉब है जो आपको कनाडा की में आपको जॉब मिल जाएगी आपको वर्क पर मिल जाएगा तो दिस इज दिस इज वेरी लाइकली बोगस स्कीम चालीस हजार आपके आप जैसे मुर्गे को फसा लिया ऐसे अगर मेरे ख्याल है कि हफ्ते में दो तीन मुर्गे और फंस गए तो उनके दो तीन लाख रुपए पक्के वैसे ही हो गए बाकी वीजा लगे ना लगे नो बड़ी केयर्स तो आप मान के चलें कि उनके पास नंबर वन लाइसेंस नहीं है नंबर टू एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे वो हमें एम्प्लॉयर का तीसरा हमें एम्प्लॉयर का नहीं पता कि एम्प्लॉयर का नाम क्या है वहां पर कौन सी कंपनी है जो हायर करेगी चौथी बात यह है कि कोई हायर कर ही नहीं रहा भाई साहब अभी तो तो आप सोचो कोरोना वायरस में तो बेरोजगारी फैली हुई है हम सोच रहे हैं कि मैं छोड़ के पर मुंबई में आके नौकरी कर लूं। आप बम्बे से आके कैनेडा की नौकरी देख रहे हो अभी इतनी बेरोजगारी चल रही है कौन सी कंपनी है जो इंडिया जाके वहां पर एक आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को हायर करेगी इट इज नॉट गोइंग टू हैपन पांचवी बात है कि जिस कंपनी ने भी हायर करना है उनको अपनी एक रिक्वायरमेंट का एक जैसे कि स्किल जॉब है आपकी अगर साइंस की जॉब है अगर फार्मेसी की जॉब है तो उसकी एक एल एम आई ये करना पड़ता है सबका एल एम आई ये जब होगा तभी पास होगा एल एम आई ए आज की डेट में पास होने वाले नहीं है बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टेड ऑक्यूपेशन की लिस्ट है गवर्नमेंट की वेबसाइट में डाल रखी है उसी की एल एम आई ये पास होंगे बाकी के नहीं होंगे मैं समझता हूँ कि एक आध साल तक नहीं होंगे इन सब बातों को देख कर लगता है कि ये सब जो है ये इसमें एक धोखे की गंध आ रही है समझ रहे हैं हिंदी आप इसमें लग रहा इस है कि ये धोखा होने वाला है और अच्छा हुआ आपने मेरे से कॉल कर लिया पूछ लिया आज आपकी खुशकिस्मती का दिन है कि चालीस हजार रुपए अगर आपके नहीं दिए तो वो बच सकते हैं अभी नहीं सर जैन में उनसे मैंने कॉन्ट्रेक्ट किया था जैन में ट्वेंटी उनको दिया था अच्छा तो सर उन्होंने

उसको उनको आप ये उनको आप ये कह देना कि जो बाकी के जो बीस हजार है ना वो तिवारी साहब नहीं देंगे मैं खुद दूंगा उसको ओके उनसे कहना कि अगर वो कनाडा से कनेक्टेड हैं कनाडा में कहीं उनकी बातचीत चल रही है तो उन्हें कहना कि भाई आपको कनाडा में ही पैसे मिल जाएंगे आपको छोड़ो आप क्या करोगे बम्बई में पैसे लेकर आपको कनाडा में बैठे बैठे जितने भी उनके चार पांच सौ डॉलर बनते हैं वो मैं यहाँ से दे दूंगा और कहा था सॉरी सर उन्होंने ये कहा था जब जॉब लगेगा ना कुछ जो जो मेरे से, मेरे से ब्रदर, ब्रदर तो कुछ परसेंटेज लोग बाकी रिक्शे वालों मजदूरों का और जो बावरची है कुक है प्लम्बर है इलेक्ट्रीशियन उनका क्या होगा भाई सही बात है सर सर लेकिन जो मुझे जो उन्होंने फॉर्म जो अप्लाई किया है जो जेनरिक नंबर दिया है तो उससे कोई ट्रेस नहीं कर सकते हम ट्रेस करने का कुछ है नहीं, ही नहीं है, क्या ट्रेस करेंगे जब कनाडा में कोई एप्लीकेशन okay, जो जो, वो भी बोगस है कौन सा किस चीज़ का नंबर है वो कि, किस चीज़ का नंबर है, जो है ने, ने, सर उन्होंने मुझे अप्लाई करने का जब, जब तक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है जब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही साइन नहीं किया वर्क वीजा की एप्लीकेशन तो तब चलेगी ना जब आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होगा और होगा जब आपके पास दोनों नहीं है तो कौन सी एप्लीकेशन कोई कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता सर उन्होंने मुझे एक मेल दिया था सर सर आपको बताऊं मैं sir, जी आप पढ़ दो आपने तसल्ली के लिए में प्रकाश श्याम सुंदर तिवारी find helpful to understand the further process of your case we are pro providing you few more documents such as your generic application form number is successful vali validated and you can scan your form hey, on stop. your mobile device. hey stop kar jao stop kar jao yes. bas yeah. Hey, yahi par stop kar jao ye sab bogus hai Okay, पहली पहली बात है कि जेनरिक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली नहीं है जेनरिक एप्लीकेशन होता है आई एम वो इस तरह की एप्लीकेशन में लगता नहीं है वो लगता है कि पीआर की एप्लीकेशन में। और अगर आपको वर्क वीजा अप्लाई टाइप करने से वो फॉर्म आ जाएगा okay, okay. Okay, you, ये जाना था सर जी हम आपको नमस्कार करते हैं आप दवाई बेचने वाले आप सज्जन है कभी दवाई लेनी होती तो हम आपसे पूछते हैं कि ये पैरासीटाम लें ये फलाना लें ये लें एक्सपायरी नहीं है हम आशा करते हैं कि आपको दवाइयों के बारे में पता है तो आप उसको दवाई हमें ऐसा ही देते हैं मैं आपको नमस्कार करता हूँ आपके सामने नमन करता हूँ सिर झुकाता हूँ और मैं आश, आशा करता हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग सूझवान लोग इन लोगों के चक्कर में नहीं आएंगे तो यही मैं आशा करता हूँ आज के आपके इस वार्तालाप से और अच्छी अच्छा आपको अः मेरे को अच्छा मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है कि आपके पैसे बच गए और इन फ्यूचर के आप ऐसी गलती भी नहीं करवाएंगे अब ये अगर इमिग्रेशन का डिस्कशन खत्म हो गया तो मैं अपना एक सवाल आपसे पूछ लू यस सर आप, yes, आप दवाइयों के उद्योग में हैं कोरोना वायरस के संबंध में आप क्या देख रहे हैं जहां पर आपकी दुकानें हैं क्या हो रहा है वहां पर ये अगर एक मिनट लेके बता दें बस ज्यादा टाइम नहीं सर अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे सब मतलब सिचुएशन है कि ऐसे कि बहुत सारे एरिया में <laughs> कोरोना वायरस फैला हुआ भी है काफी मतलब डाउन ही है चलो एक, एक, एक सवाल एक सवाल और पूछा बस आखिरी सवाल आ, जो ये सारी दुनिया जो कह रही है कि वो एक दवाई है हाइड्रोक्लोरी क्या, क्या नाम है क्या नाम है हाइड्रोक्लोरी क्विनिन समथिंग ऐसा कुछ नाम है उसका वो उस उस दवाई में वाकई ऐसा कुछ है केमिकल उसमें सॉल्ट है ऐसा जो जो इसमें वायरल में कुछ अफेक्ट करेगा कि ये सब बातें बातें नहीं सर एक्चुअली यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है डायरेक्ट सब हॉस्पिटल में जा रहा है जो इन्फेक्टेड को दिया जा रहा है सर। तो उससे उससे इस बीमारी का कुछ कुछ इलाज का कुछ संबंध है कि नहीं है कि ऐसी एस सोचना है कि एक्चुअली एक्चुअली भी हुए। कोई जयपुर के एक डॉक्टर थे उन्होंने अपना डाला भी था उन्हें हाइड्रोक्लोरिन प्लस कॉम्बिनेशन दूसरा भी ड्रग दिया था तो उससे क्योर भी हुए चलो थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी थैंक यू नमस्कार